ये पूरा कानून ही हटेगा, बिना हटे इसमें कुछ नहीं होने वाला। अब मैं आपको समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा, केवल एक सेक्शन बताता हूँ तो उससे आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की धारा 6-3, उसमें जो है जो एग्रीमेंट होगा किसान के और व्यापारी के बीच में, मैं उसे बताता हूँ, आप समझ जाएंगे सारे, उसके बाद कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस धारा 3 में लिखा है कि किसान के और व्यापारी के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसमें यह लिखा जाएगा, नंबर एक, किसान को अपनी जमीन पर कौन सी फसल उगानी, नंबर दो, उस फसल का ग्रेड क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा और उसकी क्वालिटी क्या, नंबर तीन, उस फसल को उगाने के लिए जो बीज होगा, जो खाद होगा, जो कीटनाशक होंगे, जो मशीनरी होगी, जो तकनीक होगी, उसे वो व्यापारी जिसके साथ समझौता हो रहा वो देगा। इसके बाद उसी एग्रीमेंट में लिखा जाएगा इसकी कीमत क्या होगी, जो फसल उगाएगा जब फसल पक के तैयार हो जाएगी तो किस कीमत पर व्यापारी खरीदेगा, ये भी लिखा जाएगा। साथ में ये भी लिखा जाएगा कि इस फसल की कितनी बार चेकिंग होगी, तो बोते समय, फसल जब बढ़ रही होगी उस समय, और जब फसल कट के व्यापारी खरीदेगा उस समय 3 समय उसकी चेकिंग होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ, एक बहुत मोटे से उदाहरण से समझो। ये मानिए कि इसके कानून के हिसाब से पूरे देश की जमीन, पूरे देश के जो किसानों के पास जमीन है उसका जो व्यापारी है उनसे एग्रीमेंट हो गया। व्यापारियों से एग्रीमेंट होने के बाद सारी जो फसल है वो कहां जाएगी, व्यापारी के घर में। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के पास खरीदने के लिए एक दाना नहीं बचेगा, सारी की सारी फसल व्यापारी खरीद के ले जाएगा। और व्यापारी कितनी फसल खरीद सकता है, पहले उस पर प्रतिबंध था, अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम से वो बैरिकेड हटा दिए गए, यानी कि जो एक लगा रखा था बैरियर कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते, लिमिट लगा रखी थी, लिमिट वो खत्म कर दी। इसका मतलब व्यापारी जितनी चाहे फसल खरीद के अपने गोदाम में रख सकता है। अब मानिए कि जब पूरी फसल किसान से व्यापारी के घर चली गई, तो अब थोड़ा सा पीछे आइए, 2013 में इस सरकार ने, संसद ने एक कानून बनाया था इस देश के गरीब लोगों के लिए, 82 करोड़ गरीब लोगों के लिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। उसके तहत 82 करोड़ लोगों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देना था। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अब समझे आपको, जब सारा अनाज व्यापारियों के पास चला गया, सरकार के पास कुछ नहीं है, तो सरकार इन 82 करोड़ लोगों को कहां से अनाज लाएगी, पहले तो ये बताओ। इसका मतलब जो 82 करोड़ गरीब सरकारी मदद पर निर्भर था वो खत्म हो गया। मतलब आप कह रहे हैं कि किसानों के खिलाफ बिल है, किसानों की भलाई की बात कर रहे हैं पर किसानों के खिलाफ लोग समझ रहे हैं, नहीं, ये पूरे देश के खिलाफ है। 82 करोड़ गरीब खत्म, देश में 5 लाख जो राशन की दुकानें हैं खत्म, 5 लाख राशन की दुकानों में कुछ रोजगार भी मिलता होगा खत्म। अब इसके बाद आप आ जाइए कि जब किसान को सारी चीजें, जो खाद भी है, बीज भी है, कीटनाशक भी है, मशीनरी भी है, तकनीक भी है, वो व्यापारी जिससे समझौता हुआ वो ही देगा, तो जो व्यापारी ये काम करते हैं, कोई खाद बेचता है, कोई बीज बेचता है, कोई मशीन बेचता है, कोई जो पेस्टिसाइड बेचता है, वो व्यापारी खत्म। तो आपने व्यापारी खत्म कर दिए, गरीब मजदूर खत्म कर दिए, और किसान को आपने बंधक बना दिया, मजदूर बना दिया, गुलाम बना दिया। कैसे, अब मैं बता दूं, जब किसान की जमीन पर एग्रीमेंट हो गया तो किसान चाह कर भी अपनी जमीन से एक भुट्टा, माना मक्का बोई हुई है, मक्का से एक भुट्टा तोड़ के नहीं खा सकता। आज की तारीख में तो जाओ मक्का से एक नहीं, 10-20-50 जितने भुट्टे तोड़ के खाने खाओ, खूब सेक है, रिश्तेदारों को भी ले जाओ। साथ में गन्ना अगर बो रखा है, एक गन्ना नहीं खा सकता, क्यों, क्योंकि व्यापारी से समझौता है, अगर एक गन्ना टूट लिया तो फिर उसके बाद में व्यापारी लड़ते रहो आप SDM के यहाँ, ADM के यहाँ, हो गया ना। मतलब यह है कि अपनी ही जमीन पर मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर मन करता है जो फसल मैंने उगाई है, मेरी मेहनत की फसल है, उसमें से एक दाना नहीं ले सकता, ऐसे कानून का क्या करूंगा मैं। और इस कानून ने व्यापारी खत्म कर दिया, इस कानून ने मजदूर खत्म कर दिया, और साथ में जो किसान है, किसान को इतनी भी मोहलत नहीं दी गई
आज की तारीख में तो किसान किसी भी जगह से दूर से जाके यहाँ से ठीक नहीं मिला तो वहाँ से ले ले, वहाँ नहीं मिला तो वहाँ से ले ले, यहाँ से कम में मिला तो यहाँ से ले ले, खाद है बीज अपनी मर्जी से ले सकता। इसके बाद नहीं, इसके बाद तो व्यापारी ही देगा। इसका मतलब यह हुआ कि चंद व्यापारियों के हाथ में इस पूरा देश जाने वाला है। और जब व्यापारी के साथ में समझौता हो गया तो कोई बैंक भी किसान को लोन नहीं देगा, कोई भी बैंक। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उसे पैसा चाहिए किससे लेगा, एक ही रास्ता बचा, उस व्यापारी से। तो सरकार कहती है ना कि जमीन नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी जमीन उसी व्यापारी से। जब वो कर्जा लेगा धीरे धीरे कर्जा बढ़ता चला जाएगा, और कर्जा बढ़ता चला जाएगा व्यापारी का ब्याज बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा जो किसान है अपनी ही जमीन उसी व्यापारी को बेचने पर मजबूर हो जाएगा। अब थोड़ा सा पीछे जाओ, आपको लेके जाता हूँ। 1947 से पहले क्या था इस देश में, जो साहूकार होते थे वो ऐसे ही करते थे, किसान को ब्याज दिया और वो ब्याज का मतलब पैसा दिया, वो पैसे पे इतना ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, किसान की पीढ़ियां गुजर जाती थी, कर्जा नहीं उतरता था और सारी जमीन जो साहूकार के यहाँ पे चली जाती। मदर इंडिया, ये मदर इंडिया देखो, और नए उसमें देखो धर्मेंद्र जी की गुलामी देखो आप, और अगर पढ़ना हो तो गोदान पढ़ो मुंशी प्रेमचंद जी का, ये सारी चीजें बिल्कुल। पहले वो अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बनेगा, उसके बाद में अपनी ही जमीन पर गुलाम बन जाएगा। ये है इस कानून का परिणाम जो आगे तक नजर आता है। तो सरकार ये ना समझे, इसलिए ये कानून पूरे देश को तबाह करने वाला। अब एक चीज और रहेगी, उसे भी बता दो, जो मध्यम वर्ग के लोग जो आज रोटी खा रहे हैं, जब व्यापारी सारा अनाज अपने गोदामों में बंद कर लेगा तो वो जो आज उसने लिया जिस दाम पे, उससे 6 गुना 7 गुना 8 गुना दाम पर बेचेगा। तो जो मध्यम वर्ग के लोग जो घरों में बैठे हैं, अगर उनको बाहर आना चाहिए इस आंदोलन में, उनको आज जो अनाज ये आटा 20 रुपए से 25 रुपए 30 रुपए किलो मिला है, वही इस कानून के लागू होने के बाद वो आटा वो अनाज उन्हें 5 से 6 गुना दाम पर मिलेगा, 100 रुपए 125 रुपए 150 रुपए किलो मिलेगा। तो असर किस पे पड़ेगा? एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं जिस पर इस कानून का असर ना पड़े। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये किसानों के विरोध में नहीं है, देश को तबाह और बर्बाद करना।